हरे कृष्ण। तो आज के इस कोट में प्रभुपाद कहते हैं कि अगर गृहस्थ जीवन में पति अपने आध्यात्मिक कार्यों को या फिर अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभा पा रहा है, तो ये केवल उस पति का क्रेडिट नहीं है, तो ये उसके पत्नी का भी उतना ही क्रेडिट होता है। ये उसके पत्नी भी उसके लिए उतनी ही कारणीभूत होती है कि पति अपने कार्यों को ठीक ठीक कर पाए। यही गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ का अर्थ है कि पति पत्नी एक साथ मिलकर अपने कर्तव्यों को करते रहे। वास्तविक गृहस्थों का कर्तव्य है एक साथ मिलकर भगवान का भजन करें, भगवान की भक्ति करें, संपूर्ण परिवार को भगवान के भजन में लगाए और संपूर्ण परिवार को भगवान की भजन के लिए प्रवृत्त करें। यही गृहस्थ का वास्तविक कर्तव्य है। ऋषभदेव महाराज कहते हैं कि व्यक्ति को माता पिता पति देवता गुरु स्वजन नहीं बनना चाहिए। अगर वो अपने ऊपर निर्भर आधारित जीवों को भगवान के चरणों तक नहीं पहुंचा सके, तो पति और पत्नी एक साथ आकर अपने कर्तव्यों को इस तरह से निभाए ताकि उनका संपूर्ण घर जो है ये भगवत भक्ति में पूरी तरह प्रवृत्त हो जाए। अब जब पति इस बात को फैसिलिटेट करता है या अपने कर्तव्यों को ठीक से करता है, तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये पति का अकेले का कार्य है। ये कार्य पत्नी के सहायता के बिना प्राप्त वो अच्छी तरह से नहीं कर सकता है, ये संभव नहीं है। तो पत्नी सहायक होती है और पति अपने कर्तव्य में प्रवृत्त होता है, तो उस गृहस्थी जैसी कोई गृहस्थी नहीं होती है। वास्तविक वो गृहस्थी सबसे अधिक सुंदर है जिसमें पति अपने कर्तव्य में प्रवृत्त है और पत्नी सहायक है। और इसलिए पति जो कुछ भी करता है उसका आधा हिस्सा पत्नी को जाता है। तो इसलिए पत्नी को ये ध्यान देना चाहिए कि उसका पति जो है सही सही कर्तव्य में प्रवृत्त हो रहा है। कश्यप मुनि दिति से बात करते हुए कहते हैं कि पत्नी वास्तव में पति की रक्षा करती है, तो चाहिए कि पत्नी अपने पति के कर्तव्यों को पालन करने में उसकी पूरी तरह सहायता करे। जब ऐसा करती है तो पत्नी पति की रक्षा करती है। अगर पत्नी सहायक नहीं है तो पति भी अपने कर्तव्यों को ठीक से नहीं कर पाएगा, और अगर पति अपने कर्तव्यों को ठीक से नहीं कर पाएगा तो जो लाभ पत्नी को मिलना है वो भी नहीं मिलेगा और गृहस्थी की भी हानि होगी और जीवन का जो उद्देश्य है वो अंततोगत्वा नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए स्त्री को चाहिए कि अगर पति भक्त है और पति भगवान की सेवा में प्रवृत्त है, तो कभी कभी अपने मन के विरुद्ध जाकर भी अगर वो पति को सपोर्ट करती है तो उसे असीम कृपा मिलती है। वो उसके कर्तव्य का तो उसको मिलता ही है हिस्सा पूरा, लेकिन अपने पति के कर्तव्य का भी या पति के कार्यों का भी आधा हिस्सा, यानी वो डेढ़ गुना फायदे में रहती है। और इसलिए पत्नी को चाहिए कि अपने पति को पूरी तरह बिना हिचकिचाहट के सपोर्ट करते रहे। हरे कृष्ण।